बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है बारबेक्यू कीमा बिरयानी। बारबेक्यू कीमा बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें सबसे पहले एक कप चावल है, 600 ग्राम मटन का कीमा है, एक कप दही का है, एक टीस्पून सॉल्ट है, एक टमाटर है बड़ा, दो सब्ज़ मिर्चें हैं, चार कोल का पीस है, चार खुश्क आलू बुखारे हैं, एक छोटी प्याज है जिसको स्लाइसिस में काटा हुआ है, 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस के अंदर 1 पिंच येलो फूड कलर का डिसॉल्व कर लिया है, 1/2 कप ऑयल चाहिए, 1.5 कप पानी की ज़रूरत है। ये कीमा जो है ये ओवरनाइट मैरिनेटेड है। इसको मैरिनेट करने के लिए 600 ग्राम मटन कीमे के अंदर 1 टेबलस्पून फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून फ्रेश मिंट लीव्स, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 5 सब्ज़ मिर्चें, 1 बड़ा प्याज, 1 बड़ा टमाटर, 1 टेबलस्पून सीख कबाब मसाला, 1 टीस्पून बारबेक्यू मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। कीमे में तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको कवर करके ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। सबसे पहले इस कीमे को गला के भून के रेडी कर लेंगे। आधा दही इसके अंदर जाएगा, आधा जो वो बिरयानी के लिए ग्रेवी बनाने के काम आएगा। 1/2 कप में से 1/4 कप जो है वो कीमे का इसमें डालेंगे और आधा जो है वो ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखेंगे, इसमें ये कीमा डाल देंगे। साथ ही इसमें ये दही भी शामिल कर देंगे। इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये कीमा अपने ही रिलीज किए हुए पानी के अंदर गल जाएगा। दस मिनट हो चुके हैं, अब कीमे को देखते हैं। एक साइड बर्नर के ऊपर कोयला दहकने के लिए रख दिया है। ये देखें, कीमे में से तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और ये गल भी चुका है। अब इसमें ये 1/4 कप ऑयल का डालेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से 4-5 मिनट भूनेंगे। कीमा अच्छी तरह से भून चुका है, कोयला दहक चुका है। कीमे के सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। इसके सेंटर में ये फॉइल पेपर रखेंगे, इसके ऊपर ये कोयला और इसके ऊपर 2 कतरे जस्ट ऑयल के डाल के इसको फौरन कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद ये चारकोल का पीस इसमें से रिमूव कर लेंगे। कीमा रेडी हो चुका है। कीमा रेडी हो गया है, अब बिरयानी के लिए ग्रेवी बना लेते हैं। 1/4 कप ऑयल डालेंगे पैन में, लो मीडियम हीट के ऊपर पैन रखा है। सबसे पहले ये अनियन फ्राई करेंगे और इसको लाइट गोल्डन फ्राई करके एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। इस प्याज को हिलाते रहना ताकि ये किसी तरफ से जले ना। गोल्डन हो गई है, अब इसको एक किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में टमाटर, इसमें ये दही भी ऐड कर देंगे। साथ ही ये आलू बुखारे भी। अब बिरयानी के लिए ग्रेवी बना लेते हैं। पहले
जो कीमा भून के रेडी किया था वो अब इसमें ऐड कर देंगे। अब इस कीमे को बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर साइड बर्नर पे शिफ्ट कर देते हैं और इस बर्नर के ऊपर बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं। वन एंड हाफ कप पानी और वन टीस्पून सॉल्ट, इसमें कोई साबुत गरम मसाला इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये पानी बॉईल होता है तो इसमें चावल डालेंगे। पानी बॉईल हो गया, अब इसमें ये चावल ऐड कर देंगे। ये चावल बॉईल हो जाएंगे तो हाफ चावल जो है एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसी पैन में बिरयानी को दम देंगे, इसकी लेयर्स बनाएंगे। राइस ऑलमोस्ट बॉईल हो गए, अब इसमें से हाफ राइस जो है वो एक बाउल में निकाल लेंगे अलग। जो अपना कीमा रेडी किया था बिरयानी के लिए वो इसमें डाल देंगे। अब देखें बेस में राइस की लेयर हो गई, इसके ऊपर ये कीमे की, लास्ट में ऊपर फिर से राइस की लेयर कर देंगे। केवड़ा एसेंस जो फूड कलर के साथ था वो डाला, ये ग्रीन चिल्लीज जो रखी थी साबत वो, फ्राई की भी प्याज इसके ऊपर डाली। अब इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी को दम आ चुका है, अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। बारबेक्यू कीमा बिरयानी को डिश आउट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है।